देख रहे हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा शो सिंहासन। मैं हूं विकास शर्मा। मैं आज मौजूद हूं गौतम बुद्ध नगर जिले में। तीन विधानसभा क्षेत्र इस जिले में आते हैं। दादरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बड़ी तादाद में यहां की पब्लिक हमारे साथ मौजूद है। 5 साल का हिसाब आज यहां की जनता मांगेगी। 1857 की जब पहली क्रांति हुई थी तब यहां की जनता ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, लेकिन पिछले 2 साल में दादरी की सूरत बिल्कुल अलग है। ये समझने की कोशिश करेंगे। दादरी की जनता बड़ी तादाद में हमारे साथ है, स्वागत करेंगे यहाँ की जनता का। इसके अलावा हमारे साथ राजनीतिक रहनुमा है, उनसे भी सवाल करेंगे। दयाराम जाटो साहब बीएसपी से हमारे साथ हैं। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी साहब आरएलडी से हमारे साथ हैं, जो कि जिला अध्यक्ष है। दीपक चोटीवाला जो कि हमारे साथ कांग्रेस से हैं और दादरी विधानसभा क्षेत्र से ही प्रबल दावेदार कांग्रेस के। रविंद्र भाटी साहब हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, जो कि प्रत्याशी हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र से। मनोज गोयल साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल लेते हैं रविंद्र भाटी जी आपसे। 5 साल में मौका मिला आपको, विकास की तमाम उम्मीदें जनता ने लगाई थी, लेकिन सूरत नहीं बदली दादरी की। इस नोएडा जिले की सूरत नहीं बदली, माहौल और खराब हो गया। इस माहौल की जिम्मेदारी आप लेते हैं? हम जिम्मेदारी नहीं लेते, इसकी जिम्मेदारी लेंगे बसपा के विधायक जो 10 साल से हम विराजमान हैं। इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो 10 साल से भाजपा के इनसे पहले विधायक थे। यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने दादरी विधानसभा में मेट्रो लेकर आई, हमारी गवर्नमेंट दादरी में तहसील बनाने का काम किया, 10-15 इंडस्ट्री हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे दादरी क्षेत्र को दी हैं, और सिटी बस सेवा और किसानों के लिए 7 गुना मुआवजा देने का काम किया है, और किसी किसान की आबादी नहीं तोड़ी गई। हमारी सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं भूपेंद्र चौधरी साहब से पूछता हूँ, मुआवजा दिया गया है? भूपेंद्र चौधरी साहब, बहुत पब्लिक जरूर आपसे सवाल पूछने जाती है। भूपेंद्र चौधरी साहब, किसान परेशान नहीं है क्या है जिले में? हाँ, किसान परेशान है। किसान प्रदेश में गन्ना किसान बहुत ज्यादा परेशान रहा है, क्योंकि उसका पेमेंट 2 साल तक का नहीं हो पाया। जिम्मेदारी तो बनती है। नहीं, जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो कह रहे हैं कि बनती दिया गया है सरकार की, जिम्मेदारी तो बनती है। विकसित प्लॉट या नहीं, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम लोग। किसान परेशान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं किए, काम भी किए हैं। दयाराम जाटो साहब, आप पर ही आरोप लग रहा है कि आपके तो दोस्त लगातार दूसरी बार विधायक है यहाँ पर, लेकिन विकास क्यों नहीं हो पाया? अगर आप नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से दादरी आते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सड़कें भी ठीक नहीं है, बहुत बदतर स्थिति। आप देख लीजिए कि जितना बहन जी की सरकार में काम हुआ है, ये आम आदमी बता देगा कि कितना खुशहाल है और कितना बदहाल है। जितना बहुजन समाज पार्टी के, जितना बहुजन समाज पार्टी के बहन जी की सरकार ने यहाँ के, जितना बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने काम किया है, जितना बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने काम किया है, सरकार ने यहाँ का किसान बदहाल हो चुका है। यहाँ के किसानों की जमीनों को छीनने का काम बहन जी की सरकार ने किया है। बहन जी की सरकार ने ऐसा काम किया है। यहाँ का किसान यहाँ के किसान का बेटा जो खेती पर निर्भर था, एकमात्र रोजगार यहाँ के किसान के बेटे का, जो हमारी जमीनें थी, यहाँ के किसान का बेटा आज बहन जी के दोस्तों को कौड़ियों के दाम जमीन खरीद करके जो जमीनें उन्होंने अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दी, आज किसान का बेटा उन्हीं उद्योगपति बिल्डरों को यहाँ चौकीदारी करने को मजबूर है। कैसी बात कर रहे हैं मेरे बसपा के दोस्त, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मनोज जी, आप पर भी आरोप लगता है कि माहौल खराब करने में बहुत आगे आपकी पार्टी रहती है, क्या माहौल खराब किया है यहाँ दादरी का आपकी पार्टी ने? बोले दीजिए मनोज जी। इनके विधायक भी रहे हैं यहाँ पे, ये सब गलत बातें हैं। हमने 3 साल के अंदर केंद्र में अपनी सरकार के माध्यम से ऐसा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज एक भी नोटबंदी पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। देखिए गलत बात, और वही शासन हम उत्तर प्रदेश में वापस उत्तर प्रदेश की जनता को देने। यूपी ने 73 सांसद दिए, ये 73 गांव स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, ये 73 गांवों को स्मार्ट गांव नहीं बना पाए। मैं एक सवाल पूछता हूँ रविंद्र भाटी जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव? मैं समाजवादी पार्टी का मजबूत सिपाही, मेरे सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी का मजबूत सिपाही हूँ, और मेरे चाहे अखिलेश यादव जी हो, मुलायम सिंह जी हो, वो दोनों पिता पुत्र हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। चलिए, मैं ये पब्लिक से भी सवाल लेता हूँ एक एक करके। मैडम आप बताइए, महिला सुरक्षा, क्राइम का ग्राफ, कानून व्यवस्था, सभी स्थिति ठीक? ऐसा है,
कानून व्यवस्था अखिलेश की सरकार में बेहतर हुई है। 109 हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस योजना और कन्या विद्या धन, और जो गरीब बेटियों के लिए शादियों में जो 20,000 का योगदान अखिलेश सरकार ने किया है, मेरे को एक सरकार ये बताए कि इतना बड़ा ऐलान किसी और सरकार ने किया था इससे पहले। पीछे पब्लिक से भी पूछते हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बताइए विकास हो पाया दादरी का पिछले 5 साल में? मैं तो देख रहा हूँ कुछ नहीं है, फ्लाईओवर तक नहीं है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा से दादरी आते हैं तो फिर दिक्कतों का सामना घंटों जाम में जूझना पड़ता। विकास नहीं हुआ है और बदहाली की तरफ गया है दादरी। विकास तो विकास नाम की तो चीज ही नहीं है। पिछले 10 सालों में या 20 सालों में आप देख लीजिए, एक फ्लाईओवर तक यहाँ नहीं बना है। किसी संगठन ने यहाँ पे, हमारे संगठन ने भूख हड़ताल की थी जिसके कारण आज हमें पुल की सौगात मिली है। यहाँ तो कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि ईमानदारी की बात यह है कि राजनीति की जननी जो है वो दादरी है। यहाँ से ही निकलकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा बने हैं और यहाँ का हाल आप देख सकते हैं, ना तो रोड की व्यवस्था अच्छी है, ना पानी की निकासी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था है। देवेंद्र भाटी जी, आप देख रहे हैं लोगों की आवाज सुन रहे हैं। जी जी, ये 5 साल से फ्लाईओवर नहीं बना, लोग आप साल नहीं 20 साल की बात करिए। आप 20 साल से दो विधायक है, दो विधायक दोनों भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों विधायक है, उनकी नाकामी का ये नतीजा है। सरकार की नाकामी नहीं है, सरकार की नाकामी नहीं है। तहसील बनाने का काम किया सरकार ने, मेट्रो लाने का काम किया सरकार ने, उद्योग लगाने का काम किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मैं इसकी तस्दीक कर लेता हूँ दीपक जी, उद्योग लगाने का काम किया है ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से उद्योग तो चले गए। देखिए इस सरकार की, मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, केंद्र सरकार जिस वादे के साथ आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार जिस वादे के साथ आई थी, उस तेजी से नहीं हो पाया है। लेकिन यदि पूर्व की 5 साल की बहुजन समाज पार्टी की सरकार की तुलना आप करें और इस सरकार की, मैं सरकार की पैरोकारी करने नहीं आया हूं समाजवादी पार्टी की, लेकिन यदि तुलना करते हैं हम, तो आप ये देखेंगे कि अखिलेश यादव के जमाने में ग्रेटर नोएडा के अंदर 7 मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, मोबाइल कंपनियां, जिन्होंने अपना निवेश लगभग 5,500 करोड़ का यहां पर किया है। 1.5 लाख डायरेक्ट, 1.5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार और 3.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार देने का वो लोग काम करने वाले हैं। तो लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए था, जिस चीज के लिए ग्रेटर नोएडा, नोएडा को पूरे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, उस रफ्तार से नहीं हुआ है, कुछ खामियां जरूर रह गई। बात से लग रहा है कि अखिलेश से दोस्ती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश से बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है मुझे ये कहने में। हमारे नेता भी ये कहते हैं और मुझे भी कोई गुरेज नहीं है, अखिलेश अच्छे लड़के हैं। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूँ भूपेंद्र चौधरी साहब, आप किससे दोस्ती करने जा रहे हैं? लोगों की आवाज बहुत है और जाहिर तौर पर सवाल भी पूछना चाह रहे हैं आपसे। मेरा सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एक एक करके आता हूँ, आप लोग शांत रहिए। देखिए लोग देख रहे हैं आपको, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, एक एक करके बोलिए, जिंदाबाद बाद में लगा लीजिएगा। मैं एक सवाल ले लेता हूँ, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि दादरी के लोग जो है विकास चाहते हैं। मेरा सवाल है, आपकी दोस्ती किससे होने जा रही है? देखिए दोस्ती का सवाल नहीं है, हम यहाँ किसानों की समस्या, हम यहाँ किसानों को लेकर खड़े हुए हैं, किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ, मेरी जो दोस्ती की बात मैं आपसे नहीं कर रहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जरा गौर से सुन लीजिए, सभी से मेरा निवेदन है, जरा सुन लीजिए एक मिनट। मैं भाजपा से, मेरा बहुत बड़ा सवाल है केंद्र सरकार से, बहुत बड़ा मेरा सवाल है। अभी एक नोटबंदी हुई, बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है हमारे यहाँ पर। हमने मांग की कि मोदी जी जो काला धन आप बता रहे हैं वापिस आया है, इससे किसानों का, मजदूरों का कर्ज माफ कर दीजिए। मोदी जी 31 दिसंबर को शाम को राष्ट्र को संबोधित करते हैं और उसमें कहते हैं किसानों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया उन्होंने, 60 दिन का ब्याज माफ किया कोऑपरेटिव बैंक का, जिसकी वैल्यू केवल 50-60 रुपए बैठती है। दूसरा छोटे व्यापारियों की जो बैंक गारंटी है सरकारी, 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की बैंक गारंटी नहीं ले सकते वो 10 लाख की ले लें? वो व्यापारियों की बैंक गारंटी 2 करोड़ कर दी, किसान का कोई लाभ नहीं हुआ, केवल 50 रुपए कोऑपरेटिव बैंक का ब्याज दो महीने का माफ हुआ, किसानों की क्यों नहीं?
मैं ये सवाल आपसे लूंगा। कुछ नहीं किया बीमा मैंने। मैं एक मिनट हमारा प्रीमियम कट रहा है। क्या पूछ रहा है? बीमा के नाम पे हमारा प्रीमियम कट रहा है। करके बोले एक एक करके एक मिनट सभी आपको लोग सुन रहा है। बीमा के नाम पे धोखा कर रहे हैं ये लोग, सीधा धोखा कर रहे हैं ये लोग। हाँ प्रीमियम, हाँ सर सर मुझे ये बताइए किसान बीमा कौन लेकर आया? किसानों के लिए कितनी नीति किसने बनाई है? कितनी परसेंट में किसानों के लिए कौन रहा है? किसानों के लिए लोन मिल रहा है? ये तो कांग्रेस में लेके आई, झूठ बोलते हैं आप लोग। ये यू नहीं, ये यूपी का दुर्भाग्य है जो क्षेत्र में पार्टी काम कर रही है। देखिए बीजेपी सरकार भाजपा नहीं लेके आई, ये इंश्योरेंस भाजपा नहीं लेके आई। केंद्र सरकार पैसे दे, कांग्रेस में था केंद्र सरकार विकास के लिए पैसे देती है, सरकार उसे लूटा देती है। मैं ये सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन दरअसल ये सूरत क्यों है? क्या मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, आप बताइए, देश के भविष्य है ये, आप देख रहे हैं माहौल, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अपने देशवासियों को दो लाइन के द्वारा एक पैगाम देना चाहता हूँ। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मैं आपके सवाल का, देखिए एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, क्या कहना चाह रहे? बिल्कुल सही है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के सबसे बड़े मदारी सपनों के सौदागर से यदि हमारे देश का, हमारे समाज का पीछा छूट जाएगा तो इस देश का भला हो जाएगा, नहीं तो वो सपनों का सौदागर भोली भाली जनता को सपने बेचता रहेगा और हम लोग परेशान। अभी नोटबंदी की बात आई, किसानों का मुद्दा आया, बेरोजगारी की बात है, सपने कौन बेच रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी देशभक्ति के नाम पर सपने बेचते हैं, कभी आतंकवाद के नाम पर सपने बेचते हैं, कभी प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का दूंगा इसके नाम पर सपने बेचते हैं, कभी काले धन के नाम पर सपने बेचते हैं। अरे इस देश को आप कहां से कहां ले आए, 20 साल हमारा देश पीछे चला गया है, 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु लाइन में लग लग कर हुई है, इनका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा कुछ है। मैं मनोज जी से सवाल पूछ रहा हूं, फिर आपके पास। जिस पार्टी के स्वयं नेता सपने में रहते हैं वो दूसरों को सपने बेचने वाला बताते हैं, वो अभी तक सपने में से बाहर नहीं आए। इस देश की जनता ने 7 साल के भ्रष्टाचार का अंत करके, भ्रष्टाचार नहीं है ये 7 साल का भ्रष्टाचार है, बिल्कुल समाप्त करके देश की जनता ने मैंडेट दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म बहुत झूठी पार्टी, दंगों कराती है, जातिवाद पे वोट लेती है, लाउड स्पीकर पे वोट लेती है, ये हिंदू के नाम पे देश का बंटवारा करने चाहते हैं। चुनाव के पास देश का के वक्त इनको देशभक्त याद आता, 4 साल भूल जाते हैं। नोटबंदी के बाद हम देश की बात करने वाले लोग हैं। नोटबंदी के बाद बीजेपी के 5 बड़े नेताओं की शादी हुई, 200 करोड़ जनार्दन रेड्डी, नितिन गडकरी 300 करोड़, नुड्डा 200 करोड़, अरुण जेटली 100 करोड़ और कांग्रेस में 300 करोड़ कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस के नेता है नरेंद्र मोदी जी, सबसे नई करेंसी पकड़ी गई है। इंडिया की बात करने वाले पूरा देश आपको देख रहा है, आप लोग अपनी जगह पहुंचे, आप अपनी जगह पहुंचिए, आप देखिए सभी लोग इंडिया की बात करने वाले। एक सवाल रविंद्र पाटिल जी, एक मिनट, जनता का सवाल लेता हूँ, जनता का सवाल लेता हूँ, एक मिनट। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी का के देश में एटीएम आज ये कह रहा है कि आएगा तो मिलेगा, वो कह रहे हैं कि मैं डिजिटल इंडिया कर दूंगा। मैं एक सवाल लेता हूँ, फिर पब्लिक के बीच में जाता हूँ। रविंद्र जी मोदी आपसे इस देश की भोली भाली आपकी बात आ गई, लोगों को बचाना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक एक सवाल, आप लाइन में लगे हैं पैसा निकालने के लिए,
लाइन में लगे 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 और लाइन में लगने के लिए जो पैसा मिला वो 4,000 रुपए मिला या 2,000 रुपए मिला। बीजेपी के नेताओं के पास 80 लाख कहाँ से आए? सब तो लाइन में भी लगे हुए हैं। जिले का विकास होना चाहिए था, आपने देखा बरसात में पानी तक भर जाता, उस पर कोई बात करने को क्यों नहीं तैयार? यहाँ पर जो भी बातें हो रही है निरर्थक बातें हो रही हैं। हमें यहाँ दादरी के विकास के बारे में बात करनी चाहिए और जो भी हमारे भावी खड़े हैं या उम्मीदवार जो भी हैं, हमें उनसे जो उम्मीदें हैं हमें उनपे हमें उनपे बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर 10 साल से कुछ भी विकास नहीं हुआ है दादरी के अंदर, दादरी शहर के अंदर, और बसपा सरकार ने लूटने का काम किया है। लेकिन जो भी हमारे नेता हैं हम उनसे यही आशा करते हैं कि वो हमारे बीच रह के हमारे जो समस्या है उनका हल निकाले तो ज्यादा बेहतर है। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, आप बताइए। जहाँ तक दादरी के विकास की बात लोग करते हैं कि दादरी के अंदर विकास नहीं हुआ, मैं पिछले 4.5 साल की श्री अखिलेश यादव की उपलब्धियां गिनाते हुए बता देना चाहता हूँ आम जनता के साथ में मैं भी, कि अभी आप देख सकते हैं आरओबी बन रहा है जिसका निर्माण चालू है। ये रेलवे स्टेशन से लोग परेशान थे, पूरे क्षेत्र की जनता परेशान थी कि हम फाटक के नीचे कहाँ निकल के जाएं। अपराध का विकास भी उन्होंने किया क्या? नहीं, इस 4.5 साल के अंदर कोई अपराध का काम इसमें नहीं हुआ है। और दूसरी बात, राशन 4.5 साल के अंदर 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल इस सरकार ने दिया है इन गरीबों को, अल्पसंख्यकों को पूरे। आप एक मिनट कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैं एक मिनट भैया बीएसपी वालों से पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से हमारे विधायक ने एक क्वेश्चन अगर लोकसभा विधानसभा में किया हो, एक भी क्वेश्चन क्षेत्र के लिए, एक भी काम के लिए, हमारी बेरोजगारी के लिए, यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए, 10 साल से जो विधायक है हमारा, एक भी बात, एक भी दिन कहीं आकर के पब्लिक में खड़ा हुआ हो, किसी काम के लिए कोई बात करी हो, किसी जनता के लिए, किसी एजुकेशन के लिए, किसी काम के लिए, 10 साल में एक बार बता दे ये विधायक। मैं ये पूछता हूँ सवाल, पिछले 5 साल सिर्फ नोट गिनने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ आपका, बैठिए अपनी जगह बैठिए। मैं ये सवाल पूछता हूँ दयाराम जी, 10 साल से आपके विधायक है आपकी पार्टी के, यहाँ क्यों नहीं लोगों के बीच में आते, दर्शन क्यों नहीं देते? वो आपके विधायक लोगों के सामने क्यों नहीं आते, दर्शन क्यों नहीं देते? देखिए, हमारे जो विधायक जी हैं वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये जनता के जो जनता के बीच में जाते हैं ऐसा नहीं। और सारे लोग जितना बसपा की सरकार में काम हुआ है, जितना बेंजी ने यूनिवर्सिटी थी, बच्चों के लिए शिक्षा थी, यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म की, और बेंजी के शासनकाल में जितना पूरे प्रदेश में विकास हुआ, नोएडा में विकास हुआ। आपकी बात से कोई सहमत नहीं है। बेंजी के बिल्डर दोस्तों को यहाँ अगर पहुँचाने के अलावा आज की डेट में अगर सही मायने में विकास का कार्य देखा जाए तो बेंजी के सिवाय को दूसरा वो नहीं है। बेंजी ने इतना काम किया, बेंजी ने इतना विकास किया कि पूरा प्रदेश विकास किया है। और हमारे विधायक जी के बारे में बात करने लग जाए, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि के बारे में बात करने लग जाए, एक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं उनके ऊपर। उन्होंने क्षेत्र में काम किया है और क्षेत्र में काम बोलता है। आप किसी भी गाँव में जाकर देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए। आप अपनी जगह बैठ लीजिए, आप बोलिए क्या कहना। मैं पूछना चाहता हूँ बीएसपी सरकार का जो कार्यकाल रहा बीजेपी के संविधान में, मैं बता देना चाहता हूँ, बीएसपी सरकार में मेरी जमीन अधिग्रहण हुई, पिछले 2005 का आंदोलन रही तू, और मुख्यमंत्री मायावती जी इस प्रदेश में बादलपुर में धारा 4 करवा करके धारा 4 और धारा 6 करवा करके उस जमीन का अधिग्रहण रद्द करा करके और उसको अपने नाम करा करके अपना महल बनाने का काम करती है। जिसमें सबसे मोटी बात बता देना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा होटल जो स्कूल की जमीन थी उसमें एक होटल बनाया,
और अपने भाई के नाम करके उसे 850 करोड़ में बेच भाई के नाम ने काम किया उठाया है नहीं देखा जा मेरी बात सुनिए आप बहुत बहुत सब देखिए जनता बहुत यहाँ से अनुशासित है मैं आपकी बात को लेता हूँ मैं दादा आप बताइए आप किसान हैं किसने आपने बहुत विधायकों को देख लिया सरकारें देख ली या दादरी का विकास हुआ मेरा दादरी शहर से मतलब नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों से है हमारे कचरा दुजाना दरियाई की जमीन बसपा और सपा सरकार ने कोड़ियों के भाव ले ली हाई कोर्ट में है 15 महीने से धरने पे हैं कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे पास नहीं गया है उदासीन होकर कल पंचायत में फैसला किया गया कि जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे कि क्या हम दर्जी दिखाएं जो आज तक भी नहीं आया 15 महीने से धरने पर हैं हाईटेक के खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं लेकिन किसी की जू नहीं रहेंगी दूसरी बात तीनों पार्टियों से बीजेपी से भी और सपा से भी और बसपा से भी पूछता हूँ कि उन्होंने हमारी जमीन को लेने से पहले बिल्डर को देने से पहले उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं डिक्लेयर करी और बीजेपी एक तरह का वो नाग है जो जमीन छीनना चाहता है 2013 का कानून राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एटसेट्रा में उन्होंने 3000 चलाए और अन्ना मैं ये सवाल पूछता हूँ 2013 का से भी जो भी और बीजेपी से भी आप एक किसान का आवाज सुन रहे हैं एक एक करके बोलिए बोलिए जी बहन जी ने क्या विकास किया मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं नहीं आप एक किसान की आवाज से जवाब दीजिए जितना भूमि अधिग्रहण हुआ वो बहन जी की सरकार में हुआ किसान की आबादी तोड़ी गई वो बहन जी की सरकार में तोड़ी गई घोड़ी बछेड़ा कांड हुआ वो बहन जी की सरकार में हुआ भट्टा पारसोल कांड हुआ वो बहन जी की सरकार में हुआ उन्होंने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है हमारे में एक दंगा बता दीजिए पूरे और सारे 2 साल में सपा की सरकार में 17 दंगे हुए जबरदस्ती कर दीजिए किसी भी किसान की जमीन जबरदस्ती नहीं ली और बहन जी के भैया ने 7 करोड़ रुपए थे उनके पास 2007 में पार्टी सरकार करती है गंगे प्रचार करने का कोई काम नहीं करता आपके सवाल का जवाब भी लेता हूं पार्टी की सरकार दंगे कराने का काम कराती है एक बार बता दीजिए कहीं अगर पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दंगा हुआ तो हमें बता दो 400 दंगे हुए हैं आपकी बात होगी पूरे 4.5 साल में 400 दंगे हुए हैं और 400 दंगे में देख लीजिए बीजेपी का समाजवादी पार्टी का रोल पूरी बात बसपा के साथी की मजबूरी समझी जा सकती है बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है लेकिन नहीं बोलेंगे तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है पता है कि समाजवादी पार्टी बता देंगे कि उनके घर में सुनने आ रहा है क्या बता रहे किसका करेंगे मैं पूछना चाहता हूँ घर में सुनाने जा रहा है विधायक यहाँ से हैं इनके किसानों के पास में तो घर सुनाने नहीं जा रहा है इनसे तो विधायक ने चलिए मैं पब्लिक से लेता हूँ पीछे से सवाल लेता हूँ और पूछता हूँ अपने जनप्रतिनिधि आप अपनी जगह बोलिए मेरा जो बीजेपी वाले भाई बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी मैं कह रहा हूँ जो देश की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी मारुति उद्योग है आज उसकी स्थिति देखो कहाँ पहुँचा दी है नोटबंदी की वजह है सब लोग मजदूरी सब लोग परेशान है देखो उसके सहारे जितनी भी कंपनियां चल रही थी सारी कंपनियां बंद हो गई है बुरी स्थिति है देश की मनोज जी ये सवाल है कि रोजगार छीन लिया नोटबंदी से ये कह रहे हैं मैं जवाब ले लेता हूँ उसके बाद मुझे केवल एक बात की जवाब दो मैं आता हूँ मनोज जी आप अपनी जगह बैठिए प्लीज आप बोलिए मनोज जी समय ले रहा हूँ मनोज जी सवाल का जवाब दे दीजिए नोटबंदी से रोजगार चला गया जी बिल्कुल इस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ सरकार ने हमने हजारों सबसे ज्यादा बुलाई है मनोज जी सरकार ने बिल्कुल जी की तरह आप भाषण यहाँ मत करिए तरीका गलत है बीजेपी की सरकार बीजेपी सरकार में जो मैं 40,000 वोट गया है उनकी जिम्मेदारी है
सबसे बड़ा सवाल है विकास का, इस तरफ किसने ध्यान दिया? क्या सवाल नरेंद्र मोदी जी की? दीपक जी, जब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है तो मुझे मानना चाहिए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहले इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पे चोट किया, जो किसान के मुझे एक बात बता दीजिए, हमारे साथी बोल रहे हैं बीजेपी के, मैं बीजेपी के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जितना जितना हमारे यहाँ अगर ये सबका मारा गया है, मेरे मुसलमान भाइयों का, मेरे मुसलमान भाइयों का मामला सीधा सीधा कैसे कैसे हो सकता है? मैं अपने साथी से निवेदन करता हूँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा नोटबंदी से कितना बड़ा हुआ नुकसान हुआ है, हमारा जितना पिछड़ा वर्ग था उसका केवल कैश का काम था, हमारे मुसलमान भाइयों का कैश का काम था, क्योंकि उनके छोटे छोटे रोजगार होते हैं और उस छोटे रोजगार की सारी हस्तक बीजेपी ने की है। आम आदमी की हालत पतली हो गई है। आप अपनी बात ये हमारे सामने जो सभा की बहन जो अखिलेश ने बहुत बड़े काम करे, मैं पूछती हूँ कि बुलंदशहर का जो कांड हुआ क्या आज तक उन जगह पता चला, उन्हें सजा हुई? और मेरे साथ इस दादरी में खुले आम मेरे पति को मारा गया, क्या आज तक कानून ने उन्हें सजा दी? क्या आज तक को पता चला? आप भी तो बता रहे हो क्या कर रहे हो? पूरे दादरी में आए दिन रोज ठीक है, मैं आपका सवाल सुन लिया। नोटबंदी की बात वो करते हैं जिनके पास काला धन छुपा हुआ है। मैं इस वक्त एक बड़ी खबर बता दूं, एक मिनट आप लोग शांत बैठ जाइए। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जी, महावीर राणा को मिला हुआ है दोहट, बीजेपी से महावीर राणा को मिला हुआ टिकट इस वक्त बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है, बेहट से पहला नाम मैं आपको बता रहा हूं, और सारा भवन से सुरेश राणा को टिकट दिया गया है, इसके अलावा यानी कि उन चेहरों को, इसके अलावा नगीना से इस वक्त की बड़ी खबर है कि ओमवती देवी को टिकट मिला है, बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है आज यूपी के जो चेहरे कौन से होंगे, और गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट मिला हुआ है बीजेपी से। तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बीजेपी ने अपनी विधानसभा लिस्ट जारी की है, और मेरठ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट दिया गया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा और भी कई बड़े नाम है, राजीव गंभीर को सहारनपुर से टिकट मिला है, बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बताऊं, सहारनपुर नगर से ये टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने जो नामों का ऐलान किया है इसमें कई बड़े चेहरे, और राजेश कुमार को भी टिकट मिला है, कांठ से राजेश कुमार को टिकट मिला है, तो ये बड़े नाम है। मैं एक सवाल ले लेता हूं और भी नाम बताता हूं, और कपिल देव को मिला है मुजफ्फरनगर से, कपिल देव अग्रवाल को मिला है। मनोज जी, ये जो चेहरे हैं जिनके नाम अनाउंस हुए हैं ये तो दंगे के आरोपी हैं? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे का सारे को कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर झूठ लगाए हैं, सरकार थी इन्होंने सरकार का दुरुपयोग करके और हमारे विधायकों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए। ये सब लोगों को क्या एक बार फिर माहौल बनाने की कोशिश है क्या? ये कोई भी चुनाव आएगा उससे पहले जातिवाद का, ये उस पर दंगों का, ये कहेंगे शब्दों का, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके, राम के नाम का इस्तेमाल करके, ये भगवान को भी नहीं छोड़ते, ये बहुत छोटी पार्टी है, ये किसी को नहीं छोड़ते। मैं यही सवाल लेता हूँ, जो चेहरे आपने सुने जो मैंने बड़ी खबर बताई अभी की बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की, आरोपियों को प्रत्याशी घोषित करके भारतीय जनता पार्टी की चाल चेहरा चरित्र जिसके बारे में वर्षों से चर्चा होती रही है वो आपके सामने आ गया है, इससे बड़ा प्रमाण हमारे समाज को और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उनका काम है समाज को बांटना, अपना उल्लू सीधा करना और भोली भाली पब्लिक को बेवकूफ बनाना, और उसी राह पर वो चल पड़े हैं। ये हम लोगों के ऊपर है कि हम एक सेकुलर सरकार का गठन करें और समाज को, इस देश को, इस पीढ़ी को आगे ले जाने का काम। मेरा 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 सवाल ये है, आप और आप देवेंद्र भाटी जी और आप पासी में खड़े हुए हैं, ये दोस्ती हो पाएगी? देखिए दोस्ती दोस्ती क्यों है मैं बता देता हूँ आपको, इस दोस्ती की संभावना है इसलिए है, इस दोस्ती की संभावना इसलिए है कि हम लोगों की जो बुनियादी सोच है इस समाज में विघटनकारी जो तत्व है उनको सत्ता से दूर रखना है, वो सोच हमारी एक है,
इसलिए हम एक सेकुलर सरकार का गठन करने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए हम पास आने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम पास आ रहे हैं। चलिए पब्लिक से भी सवाल लेते हैं। बीजेपी ने अभी लिस्ट जारी की है, एक एक करके आप अपनी जगह रखिए, सबका सवाल लूंगा, बोलिए। अब तक सुप्रीम कोर्ट में लड़े मायावती ने तो जमीन छीन ली, बिजनेस आगे झूठे बने, बीजेपी सरकार ने 80 किलो प्याज बिक्री टमाटर किसानों के ढोर खा रहे। आप अपनी जगह लोग आपको देख रहे हैं, राहुल गांधी ने किसानों के कर्जे माफ किए, किसानों को जमीन सारे करे और सुनिए और बैठी। चलिए मैं और लोगों से पूछता हूँ, पीछे आप मैं लेता हूँ, आप बताइए, आप आगे आइए, इधर आइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र की जो युवा सोच है सभी और कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 4.5 सालों में, जो भी कुछ मिला है वो समाजवादी पार्टी। दादरी का विकास हुआ कि नहीं? दादरी का विकास हुआ है और मेट्रो भी आई है, और जो आने वाले समय में जो युवाओं की सोच है उसमें जो है रविंद्र भाटी सड़क पहुँच नहीं है। रविंद्र भाटी, बैठ जाइए, आप बताइए। मैं बहुजन समाज पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मायावती, आप अपनी जगह चले जाइए। मैं दादरी विधानसभा संयोजक आम आदमी पार्टी की तरफ से और फिर सब समाज की तरफ से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों को 97 टिकट देकर। मैं आप लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे, मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा, आप लोग सब बैठ जाइए, सबके पास आऊंगा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, फिर सवाल नहीं ले पाएंगे हम, वहां से हटना पड़ेगा हमें। एक एक मिनट आप लोग बैठिए, मैं एक सवाल लेता हूँ। दादा आप बताइए, बिजली पानी सड़क को लेकर के दिक्कत है या नहीं? हाँ जी, बिजली पानी की सड़क है, सड़क टूटी, सड़क हमारे यहाँ पर पंपी दे रही है, हमारे यहाँ पर सड़क टूटी पड़ी है, बिजली भी नहीं आती है, पानी भी नहीं आता, ये दिक्कतें हैं। मैं बुनियादी जरूरतों की बात करता हूँ, आप आगे जल्दी बोलिए, क्या सवाल करना चाहते हैं? सभी साथ मेरा सवाल जो बसपा के साथ ही खड़े हैं उनसे है, कृपया इधर ध्यान दे लीजिए। 10 साल से आपके विधायक दादरी पर राज कर रहे हैं, 3650 दिन होते हैं, साथियों सुन लो, जब मैं बोलूँ तो ताली से समर्थन करना अंत में, ठीक है? 3650 दिन से, सर 2 मिनट, 3650 दिन से आपके विधायक यहाँ पर हैं और ये क्षेत्र युवा है, अधिक संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद है। 3650 दिन में जो अत्याचार दादरी विधानसभा झेल रही है, कितनी बार विधानसभा में आपने नोएडा क्षेत्र में नौकरियों के लिए हमारे विधायक ने हमारी आवाज उठाई है, बताइए। जवाब ले और सुनो, कर लो अत्याचार तुम सत्ता के गलियारों से, ये जर्रा जर्रा कांप उठेगा इनकलाब के नारों से। ये सवाल है बीएसपी के दयाराम जाटव साहब से, बोलिए। मैं अपने साथी का जवाब जरूर दूंगा, मुझे ये बता दे कि हमारे बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो बहन जी की सरकार आई, आप बहन जी की सरकार में, बहन जी की सरकार में मुझे बता दीजिए कि कितने दंगा फसाद हुआ, आराम से एक बार हमारी बात सुना पूरी तौर से। आज तक विधायक जी के खिलाफ कोई आदमी हमें बता दे विधायक जी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ हो, विधायक जी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ हो, विधायक जी की नीति से कितने काम हुए हैं हमें यह बता दीजिए, विधायक जी की नीति से सैकड़ों काम हुए हैं, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विधायक जी ने कोई काम न कराया, मेरे पास लिस्ट है। आज के विधायक गायब कहां रहते हैं, ये सवाल पूछ रही जनता, विधायक गायब क्यों कहां रहते हैं, कोई भी विधायक जी गायब नहीं रहता, बादलपुर से पहले उनका ऑफिस है, कोई भी आदमी, आज भी विधायक जी 12 घंटे काम करते हैं पूरा यहाँ, और विधायक जी का पूरा मैं कुछ और नाम बता देते हैं आपको, और भी नाम बता देता हूँ। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, आर्यनगर कानपुर से सलील बिश्नोई को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो जो बड़े नाम है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, और जेवर से धीरेन्द्र को टिकट मिला हुआ है, ये बड़ी खबर है, जेवर से धीरेन्द्र को, और मनोज कश्यप को जलालाबाद से टिकट मिला बीजेपी ने भी, जो थोड़ी देर पहले लिस्ट जारी की, जो बड़े नाम है वो लगातार बता रहे हैं, और एसपी बघेल साहब को मिला है टुंडला से, एसपी बघेल को टिकट मिला बीजेपी ने जो प्रत्याशी बनाया है। चुनाव चिन्ह में जहाँ पिता पुत्र हैं दोनों के साथ हूँ मैं, और मैं उसका सबसे बड़ा मजबूत कार्यकर्ता हूं। साथ कहाँ है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव चिन्ह मिल चुका है, अखिलेश यादव जी के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ। ये जो खबर है इस वक्त की बड़ी, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, जो विवाद था परिवार के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने दागी थे, जितने मुजफ्फर कांड के आरोपी थे,
सबको टिकट दिया गया है ताकि ये आगे फिर दंगे कराए। इनका प्रदेश अध्यक्ष संभाल लीजिए, प्रशांत मौर्य आप अपनी गाड़ी बता रहे हैं, सड़कों पर खुले रेप हो रहे हैं, एक महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? एक सवाल करना चाहता हूँ, बहन जी के भैया की संपत्ति थी 2007 में 7 करोड़ और 2012 में 13,000 करोड़, कैसे पहुंची? ये जवाब दे इसका। नहीं, मैं एक सवाल ले लेता हूँ भूपेंद्र जी, मैं आपसे ले लेता हूँ, उससे पहले दीपक जी आप साइकिल पर सवार होने के लिए तैयार हैं? देखिए सर, सवाल साइकिल का अखिलेश जी का, मुलायम सिंह यादव जी का नहीं है। जो सूची आई है आपने ये देख लिया है, मैंने पहले भी दोहराया है, सांप्रदायिक ताकतों को अपने समाज से और सत्ता से दूर रखने के लिए हम समान विचारधारा वाले जो हमारे दल हैं, जो लोग हैं, आप अकेले काफी नहीं है, उनके साथ हम लोग जाना चाहते हैं, उनको हम रोकना चाहते हैं और हम उनको रोक करके दिखा देंगे। आप अकेले काफी नहीं है, सारा लेने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, बहुत सारे राज्यों में आज भी हमारी सरकार है, ऐसा नहीं है हम अकेले काफी नहीं है, लेकिन समान विचारधारा वाले दल अपनी जगह पहुंचे, जितने अधिक तादाद में हमारे साथ आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और मिलकर ऐसी ताकतों से हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं एक सवाल लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा ग्रेटर नोएडा में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो क्या ये बताना चाहेंगे दादरी के कितने बच्चों को प्लेसमेंट दिए इन्होंने? बहुत बढ़िया। और जहाँ तक बात है विकास की, आज मैं जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ रही हूँ उस कंडीशन में मेरे पिताजी भी पढ़ के गए होंगे, यहाँ से आज भी वही कंडीशन है, तो क्या विकास किया इन्होंने? लड़कियाँ आज यहाँ पे आप देख लेंगे, आज यहाँ पे लड़कियों का प्रतिशत कम है, क्यों? क्योंकि अभी भी दादरी में खौफ है, अभी भी दादरी में खौफ है। अखिलेश सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? ये सवाल है रविंदर भाटी जी, आपने एक बच्ची की आवाज सुनी, क्या कह रही? कौन जिम्मेदार है वो आपको बता रहे? जो यहाँ पे प्रेजेंट विधायक रहे, जो पहले विधायक रहे, 20 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने राज किया है, इन्होंने युवाओं के लिए कोई नहीं किया, इन्होंने शिक्षा वालों के लिए कोई नहीं किया, इन्हें बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया। आपकी सरकार भाई ने क्या, तुम्हारे भाई ने बिना विधायक रहते हुए 1,000 युवाओं को रोजगार दिलाया, युवाओं के लिए फ्री कोचिंग करा, फ्री कोचिंग वाले बच्चों के लिए फ्री कोचिंग करा, बिना विधायक रहते हुए रोज पढ़ने वाले बच्चों के कॉलेजों में मुफ्त एडमिशन करवाए बिना विधायक रहते हुए, ये विधायकों से पूछो जो यहाँ 20 साल से जमे हुए हैं। नहीं, मेरा सवाल है, ये लड़कियों के लिए स्कूल बनवाना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारना, ये सरकार का काम नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी ने 1,090, कोई भी बच्ची यदि किसी को परेशानी है 1,090 डायल करेगी, लखनऊ से मॉनिटरिंग होगी और तुरंत कार्रवाई लखनऊ से होगी, 100 नंबर 100 डायल, पूरे प्रदेश को 100 नंबर में बांध दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, 15 से 20 मिनट में पुलिस पहुँचती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो रविंद्र भाटी जी कह रहे हैं कि ये विधायक का काम है स्कूल बनवाना, सड़कें बनवाना और इसके अलावा विकास करना, खौफ का माहौल खत्म करना, गुंडागर्दी खत्म, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं क्या? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो क्षेत्रीय विधायक होता है अपने विधायक निधि के माध्यम से या अलग अलग समय पर विधानसभा में सवाल उठा करके अपने क्षेत्र की स्थिति बता करके विभिन्न मदों में जो राशि होती है विकास के लिए जो राशि होती है वो निर्धारण, उसका निर्धारण करवाना, उसको रिलीज कराना, योजनाएं बना करके विधानसभा के अंदर रखना, ये बहुतायत में विधायक की जिम्मेदारी होती है। पिछले 10 साल से तो सवाल पिछले 10 साल से यहाँ के जिम्मेदारी रोजगार के क्षेत्र में काम किया से, जो हमारे यहाँ पर नेतागण खड़े हैं सभी पार्टियों के, हमारा निवेदन है, हम जनता की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि जो किसानों के लिए नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना है, जो केंद्र सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2014 से लागू है, जो कांग्रेस के समय पर बना था और अभी वर्तमान में यूपी सरकार ने 23 नवंबर 2016 से उसको एक्सेप्ट किया है, इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। सभी प्रत्याशी से हमारी अपील है, देखिए राजनीति है, आप अपने अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए और अपने मांग पत्र जो आपका जो अपना मैनिफेस्टो है उसमें डालिए इसको, और किसानों को सबको नए कानून का लाभ मिले, अभी तक हमें ये लाभ नहीं मिल पाया किसी पार्टी ने हमें। चलिए मैं ये सवाल और भी लोगों से लेता हूँ, मैं आप अपनी जगह बैठिए। बोलिए। अच्छा, मैं महिपाल नागर दुजाने से, मेरा ये क्वेश्चन है, जो भी सरकार पहले उत्तर प्रदेश में रही है, अवस्था है या समाजवादी पार्टी है, इसमें किसानों का जो डीलर जो यहाँ बिल्डरों को जमीन खरीदी, अंसल बिल्डर्स और वेब सिटी बिल्डर,
अगर सरकारों ने हमारे किसानों को ध्यान नहीं दिया तो हम सारे किसान होकर के संगठन होकर के सारी सरकारों का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तीन गांव गौतम बुद्ध नगर के हैं और 8-10 गांव ये भोगपुर के। आप वोट डाल के जवाब दीजिए ना। नहीं नहीं, वोट डाल के जवाब नहीं देंगे हम, इसको बहिष्कार के सुनते नहीं है। विधायक हो जिसकी सरकार है वो तो कहता है भाई मैं तो सरकार किसानों के साथ नहीं जाऊंगा। हमने कही भाई बहुत अच्छी बात है, जब तुम्हारी सरकार है किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करा दीजिए। और विपक्ष के कहते हैं भाई मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो सरकार ही नहीं है। विपक्ष का अपना पतला झाड़ देता है और जिसकी सरकार है वो ये कह देता है भाई मेरी सरकार। मैं यहीं से जवाब ले लेता हूँ रविंद्र भाटी जी। मैं सारी पार्टियों से जवाब लेना चाहता हूँ, सारे जो पार्टियों से वो प्रतिनिधि खड़े हैं ये जवाब दे किसानों के हित में क्या करेंगे। रविंद्र भाटी जी, सही बात, यदि किसानों के हित की बात करी जाए, जो भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं ये हुआ था बसपा के टाइम में, और सारा जो पैसा खाया था वो बसपा वालों ने, किसानों के हिस्से का पैसा भी बसपा वाले खा गए। हमारी वाली गवर्नमेंट ने किसी किसान की जबरदस्ती जमीन नहीं ली, और 4-7 गुना मुआवजा बसपा से 7 गुना मुआवजा हमारी सरकार ने देने का काम किया। किसानों को मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली हमारी गवर्नमेंट। एक मिनट, मेरा सवाल है, उन्होंने पैसा खाया था तो आप निकाल लेते? हमने किसानों के हित में काम किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भूमि अधिग्रहण बिल को रोकने का काम किया, उन्होंने बिल्डरों के हिसाब से बनाने का काम किया। हमारी सबसे हितैषी समाजवादी पार्टी किसान की हितैषी है। कोई और चौथे में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2016 में लागू किया। आप लोग सभी साथ देखिए कितनी शिथिलता है सरकारों में। मैं पार्टी का हूँ लेकिन किसानों को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ। अभी दो बात बहुत अच्छे हैं, तो बाबा ने कहा कि ये कई साल से दुर्राय दुजाने वाले लोग हैं, ये कई साल से वेव सिटी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इनकी सुध नहीं ली गई। ये शुरुआत हुई थी मायावती शासनकाल से, मायावती शासनकाल में भी सुध नहीं ली गई और इस सरकार में सुध नहीं ली गई है। अभी एक नागर साहब ने बात उठाई है, बहुत अच्छी बात उठाई है, जो आदमी जो सरकार जो नेता किसानों की बात करेगा वो नेता आगे आएगा। किसानों की बात कोई कर नहीं रहा है, अपने अपने झगड़ों में सब लगे हुए हैं। अभी मेरे सुनील भाई बैठे हैं, फौजी जी बैठे हुए हैं, सच उन्होंने कहा है, जो 2013 में जो कानून बना था उसे तोड़ने का काम भाजपा ने किया, पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। वो जैसे जैसे हम सब लोगों ने संगठनों ने मिलजुल कर उसको बचाया, लेकिन अब आने वाली सरकारों से चाहे मैं उसमें शामिल हूँ तो सबसे ये निवेदन है हमारा कि उसको लागू किया जाए, उसका लाभ किसानों को दिया जाए। दयाराम जी, आपकी सरकार ने ऐसा काम क्यों कर दिया है? भूपेंद्र जी कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है कि सब परेशान हो गए हैं, किसान परेशान हो गए। हमारे सरकार ने विकास का काम किया है और विकास के लिए आप वेब सिटी की बात करते हैं, केवल वेब सिटी की बात करते हैं। वेब सिटी के खिलाफ अगर किसान आंदोलन करें तो हमारी सरकार आज भी वेब सिटी से जमीन वापस लेने की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आप अक्सर 10 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लीजिए, 5 साल पहले का देख लीजिए, 5 साल बाद का देख लीजिए। 5 साल पहले जो हमारी सरकार ने यहाँ एक एक चीज का, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ आपके सवाल, आप पहले किसानों के लिए बात सुने किसान की, अगर सही मायने में सुध लिया तो केवल बहुजन समाज पार्टी ने लिया, हमारे विधायक जी ने लिया। जो अपने भाई है मेरी कृपया ध्यान से बात सुने, आज प्रदेश में जितना भी भ्रष्टाचार अत्याचार और बलात्कार, मैं किसी पार्टी से विलंब नहीं करता, मैं किसानों का संगठन से हूँ, संघर्ष समिति से, और आज ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में हर तीसरे ग्राम में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं अपने जो प्रतिनिधि है इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब आने वाले समय में तुम जो अपने पार्टी के नेता हैं या जो पार्टी के मुख्य सचिव वगैरह जो भी हैं उनसे क्या कहेंगे इन किसानों के बारे में? गौतम बुद्ध नगर में इतना भ्रष्टाचार है, किसानों के साथ इतना अत्याचार है, आए हर गांव में तीसरे गांव में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों? जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल है, अभी हमारी 22 तारीख में सिरसा गांव के अंदर ईस्टर्न पैनी फेवल जो 39 गांव पीड़ित है उससे बार बार किसान गुमराह किया जा रहा है, डीएम से कोई सरकार लेता हूँ। दीपक जी आप बताइए, मुझे नहीं, आप ये बताइए किसान परेशान है कि नहीं है, और ये परेशानी किसान, मैं मुझे 2 मिनट दीजिएगा। किसान बिल्कुल परेशान है और हम भी किसान परिवारों से आते हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। जो परेशानी मायावती सरकार से शुरू हुई थी, जब भट्टा पारसोल में राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, किसानों की समस्याएं सुनी, उसको लेकर के वो संसद में गए, बहुत अच्छा किसानों के फेवर का, किसानों के पक्ष का उन्होंने
अंग्रेजी जमाने के भूमि अधिग्रहण कानून में उन्होंने बदलाव करके एक भला कानून जो किसान प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उन्होंने देने का जो काम किया था उसको इस सरकार ने जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने बदलने का काम किया। 44 सांसदों ने कांग्रेस के इस किसान विरोधी सरकार के मंसूबों को फेल कर दिया और वही कानून वही कानून आपका अनुरोध है। और शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, मैं सबके पास आऊंगा, एक सवाल लूंगा, मैं ले रहा हूं, बोलिए। सपा के उम्मीदवार रविंदर भाटी जी से मेरा सवाल है कि आप लगातार कह रहे हैं कि बीएसपी ने जो है किसानों को लूटा है, उनकी जमीनों को चोरी किया है, उस समय आप भी बसपा में थे, क्या आपको भी चोरों की श्रेणी में गिना जाए? ये इस तरीके का शब्द नहीं है समाचार प्लस। सवाल उनका सुन लीजिए, शब्द ठीक नहीं। जवाब देना चाहता हूँ, जब किसानों के साथ बसपा गवर्नमेंट में अत्याचार हो रहा था तो तुम्हारा भाई इन्हीं चैनलों पे किसानों के पक्ष में खड़ा था, पार्टी बोलते हुए देख लो, तुम्हारा भाई खड़ा था वहाँ, देख लो, रिकॉर्ड निकाल के देख लेना पंडा जी, रिकॉर्ड निकाल के देख लेना तुम, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। मैं समय की कमी, एक एक करके सवाल लेता हूँ। दयाराम जी एक मिनट शांत हो जाइए। दयाराम जी चुनाव नजदीक है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ हुआ नहीं, आप कुछ कर पाएंगे कि नहीं अगर आपको मौका जनता देती? देखिए मौका बोलती तुम्हारी पार्टी को ही मिलेगा, दोनों लोग बौखलाए हुए हैं, बस सब यहाँ बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ है। दूसरी बात बची विकास की या किसानों की लड़ाई की, किसानों के हित में हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। बहुजन समाज पार्टी ने हमारे लिए काम किया है, सरकार के लिए, किसानों के लिए काम किया है। और यहाँ के मौजूदा विधायक ने आप लोग सभी देखिए, सब पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं आपको। शोर मैं आता हूँ, शोर मत बिल्कुल कीजिए, लोग देख रहे हैं। आप सब तरीके से वो सवाल भी रख सकते हैं, अनुशासित तरीके से रख सकते हैं। मैं ले रहा हूँ सवाल। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी प्रतिनिधियों से कि आज हमारे क्षेत्र को उद्योग का सबसे बड़ा हब मानते हैं हम, और हमारे यहाँ की जो कंपनी है वो बाहर से भर्ती करके लाती है, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, क्या यहाँ युवा नहीं है? ये युवा बेरोजगार नहीं है क्या? मेरा इस सरकार से और इन प्रतिनिधियों से निवेदन है मेरा कि अब की बार हम लोग जागरूक हो चुके हैं, उसी को वोट देंगे जो युवा को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दिलाएगा। रविंदर भाटी जी ये दिक्कत आती नहीं अगर रोजगार मिल जाता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होता। मैं देख रहा था ये सीएससी आपका, यहाँ तो अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसे रेफर करना पड़ता है। तुम्हारा ये भाई यदि जनप्रतिनिधि बना जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कंपनी हमारे जिले में लगाई है, तुम्हारा भाई यदि विधायक चुना गया तो जो कंपनियां मुख्यमंत्री जी ने लगाई है उनमें युवाओं से रोजगार की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करेगा। मजबूती से पॉलिसी बनवाकर युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। जी मनोज जी समय की कमी है, मैं आपसे भी सवाल लेता हूँ, अगर आपको यहाँ की पब्लिक मौका देती है आपकी पार्टी को क्या ज्यादा रोजगार? जब पूर्व में हमारे विधायक नवाब सिंह नागर जी थे भारतीय जनता पार्टी से, युवाओं को बेहद रोजगार मिला और आज भी हमारी पार्टी के विधायक ने सबसे ज्यादा जनता की समस्याओं को जनता के बीच में, जो वर्तमान विधायक है उनके लोगों ने शक्ल तक नहीं देखी दस सालों में। आप भी अपनी लिस्ट प्रस्तुत कर दें। क्या आपको अगर मौका मिलता है आपकी पार्टी को मिलता है तो क्या पार्टी का जनप्रतिनिधि और सरकार बनने का मौका यदि मिलता है तो सिंगल एजेंडा होगा कि क्षेत्रीय कंपनियों में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत किसानों के लिए भी और रोजगार वाले नौजवानों के लिए भी 50% युवाओं को हाथों हाथ लाइन लगा करके रोजगार दिलवाने का हम काम करेंगे और ज्यादा लाइन लगाएंगे। एक बात और, किसानों के जो मामले लंबित हैं सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ के प्राधिकरणों में उनकी शुरू करवाएंगे और सिंगल विंडो सिंगल डेस्क कांग्रेस का उनका फैसला हम करवा दिलवाएंगे। यदि सरकार हम लोगों को सरकार ने कितना रोजगार दिया, कितने इंडस्ट्री लगी हमें बता दीजिए। कंपनियां सरकार के इशारे पर बाहर से भर्तियां करके ले आती हैं, बहुत बड़ा मुद्दा ये है, ये भर्तियां यहाँ पे होनी चाहिए। हमारे किसानों ने बताया क्या रिजर्वेशन, अगर अपनी सरकार हमारे बच्चों का साथ चिर करे उनमें रिजर्वेशन होना चाहिए, फैक्ट्री में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये बात ऊपर आनी चाहिए।
मैं एक चीज का बिल्कुल आज यहाँ बैठ कर वादा करके जाता हूँ, कंपनी लगी है समाजवादी पार्टी की देन है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और बनेगी, एक कंपनी तो सबसे पहले इन रोजगार का जैसे रोजगार वाला मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री घर का इस मुद्दे से बिल्कुल खत्म किया जाएगा। सबसे ज्यादा रोजगार की समस्या पर ध्यान देते हुए बिल्कुल हर कंपनी में अपने लोगों को दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, दादरी की रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बन पा रही है, ना बसपा के गवर्नमेंट में बनी ना अखिलेश जी के गवर्नमेंट में बनी। दादरी का विकास अखिलेश जी के गवर्नमेंट में नहीं हुआ, बसपा के गवर्नमेंट में नहीं हुआ। आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज आज तक नहीं बन पाया, नोएडा अथॉरिटी पे कहीं किसी का कमांड नहीं है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के उसकी कमी की वजह से दादरी। सबसे बड़ी बात यह, यहाँ कोई गाँव नहीं रहा नोएडा में, सभी को अथॉरिटी ने एक्वायर किया। सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार की है, सड़कों की हालत बुरी है, लेकिन कोई भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? हमारा सीधा सवाल था जनप्रतिनिधियों से, यहाँ की पब्लिक ने सीधा सवाल किया है। तो सिंहासन में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल आपसे बागपत में। नमस्कार।